हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल मूवी। और इस मूवी में हमने बहुत कुछ सीख सकते हैं, मिलियन डॉलर बेबी। ये स्टोरी है एक लड़की की जो एक छोटे से मुकाम से एक ऐसा काम करना चाहती थी जो उसने कभी नहीं किया और उसके लिए असंभव था। उस मुकाम को उसने किया भी, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हम सबकी लाइफ में हो सकता है। सो ये मूवी आपको पहले तो अपने लक्ष्य के पाने के बारे में आपको ज़िंदगी में बहुत सारी प्रेरणा देगी, लेकिन आपको ये भी बताएगी कि कई बार बहुत अपनी अचीवमेंट्स पाने के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें लूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में आपने वो सारी चीज़ें को पा लिया है तो आपको खुश ही रहना चाहिए। ये हमें ये मूवी बताती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। इस मूवी की शुरुआत होती है मैगी के साथ में, जैसा आप सामने देख सकते हैं। मैगी एक नॉर्मल लड़की रहती है जो रेस्टोरेंट में काम करती थी और उनका एक ड्रीम रहता है कि वो बॉक्सर बनना चाहती थी। बॉक्सर बनने के लिए मैगी एडी के पास जाती है, जो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैगी एडी को बोलती है कि मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ आप जैसा ही अच्छा बॉक्सर बनना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ट्रेन करिए। और लेकिन फ्रैंकी ऐसा नहीं करना चाहते। फ्रैंकी वही व्यक्ति है जो सामने दिख रहे हैं आपको, कोच है जो कि एक ऑलरेडी एक वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर के कोच हैं। सो वो फ्रैंकी मैगी को कह देते हैं कि मैं तुम्हें कोच नहीं कर सकता, मैं लड़कियों को नहीं सिखाता हूँ और ऐसे भी मैं तुम्हारी कोचिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। मैगी उनको कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंकी फिर भी नहीं मानते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फ्रैंकी की बेसिकली बॉक्सिंग प्लेस होती है, उस जगह पे मैगी उनके मना करने के बाद भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो यहाँ पे बहुत मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है सीखने के लिए। हालांकि फ्रैंकी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो तब तक मेहनत करती है क्योंकि वो रेस्टोरेंट में काम करती है। तो रेस्टोरेंट में काम करके आने के बाद वो यहाँ पर प्रैक्टिस करती है दिन रात, सबसे लेट तक वो यहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं। इसी बीच हम देखते हैं जो फ्रैंकी के फ्रेंड होते हैं एडी, जैसा आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एडी उनको बोलते हैं, एडी फ्रैंकी से कहते हैं कि तुम इस लड़की को सिखाते क्यों नहीं, वो तुमसे सीखना चाहती है। फ्रैंकी कहते हैं कि मुझे लड़कियों को नहीं सिखाना, और लड़कियाँ वो अभी तक बॉक्सिंग का कुछ भी नहीं जानती, वो इतनी बड़ी हो चुकी है वो नहीं सीख सकती। लेकिन एडी वहाँ पे फ्रैंकी को कहते हैं कि वो देखो, वो सब लोगों के जाने के बाद भी प्रैक्टिस करती रहती है, हालांकि वो गलत मूव्स कर रही होती है, लेकिन फिर भी एडी उनको बोलते हैं कि वो उनके अंदर जुनून है, उन्हें सिखाना चाहिए। फ्रैंकी बोलते हैं कि नहीं, मैं उन्हें नहीं सिखा सकता। अब हम यहाँ पर मैगी को देख पाते हैं कि रात 12 एक बजे तक भी सभी लोगों के जाने के बाद भी वो अंधेरे में खुद अकेले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती रहती है। एडी को उनकी हार्डवर्किंग देख के वो मेल्ट हो जाते हैं। वो मैगी से बात भी करते हैं कि तुम इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रही हो, तुम दूसरा कोच भी ले सकती हो। मैगी कहती है, नहीं, मुझे फ्रैंकी से ही सीखना है। अब हमें यहाँ पर मैगी की लाइफ दिखाई जाती है। मैगी एक रेस्टोरेंट पर काम करती है, वो दिन में अपना खाना भी नहीं खाती है। वो पैसे, क्योंकि अपनी जितनी भी उनको सैलरी मिलती है उससे वो पैसे बचाती है, और जो झूठे खाने होते हैं रेस्टोरेंट पे उसको वो ले आती है अपने साथ में, उसे बाद में खाती है। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि खाना अगर वो अपने लिए खाना खा लेंगी तो उनके पास पैसे नहीं बचेंगे ट्रेनिंग के लिए, और वो अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए पैसे कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि मैगी में इस हद तक बॉक्सिंग को सीखने की इच्छा है कि वो दोनों टाइम में ही लोगों के झूठे खाने खा रही हैं और उस पैसे से वो अपने बॉक्सिंग के लिए फ़ीस देना चाहती हैं और बॉक्सिंग की क्लास अटेंड करना चाहती हैं। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि फ्रैंकी जिस बॉक्सर को ट्रेन करते थे, जो कि वर्ल्ड लेवल का था, उस बॉक्सर ने फ्रैंकी को ये कह दिया कि वो अब और इससे नहीं सीख सकते हैं और वो अपने लिए दूसरे कोच को उन्होंने ढूंढ लिया है। मीन्स फ्रैंकी की अब तक की मेहनत ख़राब हो गई है, क्योंकि फ्रैंकी ही हैं जो इस बॉक्सर को सिखाए हुए हैं, जिन्होंने इस बॉक्सर को नंबर वन बनाया, लेकिन अब वो बॉक्सर फ्रैंकी को छोड़ के दूसरे किसी कोच के पास में जा रहे हैं। इस चीज़ से फ्रैंकी को बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने इस बॉक्सर को ट्रेन किया होता है, बनाया होता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंकी देखते हैं कि रात पे भी आवाज़ आ रही है बॉक्सिंग करने की। जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे मैगी होती है। वो मैगी को जाके बोलते हैं, बताते हैं कि तुम गलत मूव्स लगा रही हो। मैगी कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास तो करती ही रहूँगी। यहाँ पे फ्रैंकी को मैगी की हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन देख के मेल्ट हो जाते हैं, वो उनसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ मूव्स बता सकता हूँ, कुछ प्रैक्टिस बता सकता हूँ। मैगी खुश हो जाती है, मैगी बोलती है, हाँ, मैं ज़रूर बहुत मेहनत करूँगी।
अब हम मूवी में देखते हैं कि फ्रैंकी मैगी को पूरी दिल से सिखा रहे होते हैं और मैगी भी फ्रैंकी से पूरे दिल से सीख रही होती है। इस बीच फ्रैंकी को ये लगता है कि वो उनकी फ़ीस वापस दे दे, लेकिन तभी उनके पार्टनर एडी बोलते हैं कि नहीं, 3 मंथ की फ़ीस मैगी ने दी हुई है तो हम उसे वापस नहीं कर सकते। ऐसा एडी उनके पार्टनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं और उन्हें भी पैसे की शॉर्टेज होती है। अब हम ये देखते हैं कि मैगी फ्रैंकी की ट्रेनिंग में बहुत ही बेहतरीन ग्रो करती हैं। वो पूरे मन से मेहनत करती है, वो दिन में जिम भी करती है और देर रात जब सबको ही चले जाते हैं उसके बाद भी मैगी प्रैक्टिस करती रहती है। अब हम देखते हैं कि फ्रैंकी एयरबॉल मैगी को देखते हैं कि वो ट्रिप तैयार हो चुकी है मैच के लिए। वो एक छोटी सी बॉक्सिंग मैच का अरेंज करते हैं मैगी के साथ में। मैगी की एक बॉक्सिंग अब दूसरी लड़की के साथ में होने वाली है जो उस जगह की चैम्पियन होती हैं। इस मैच के लिए फ्रैंकी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, वो मैगी को बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं और जब मैच का दिन आता है तो मैगी फ्रैंकी की हेल्प से फर्स्ट किक में ही उस लड़की को, अपने अपोनेंट को राउंड किक नॉकआउट कर देती हैं जिससे वो जीत जाती हैं। और हम देखते हैं कि ये पहला मैच है जो मैगी ने जीता है। मैगी बहुत खुश है, वो फ्रैंकी के पास जाती है। फ्रैंकी बोलते हैं कि नहीं, मैं बाकी तुम्हें नहीं सिखा सकता। मैगी वहाँ पे उनको कन्विंस करती है, वो बोलती है कि हम मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मैगी और फ्रैंकी साथ में मिलकर और भी ऑर्गेनाइज करते हैं मैच, और हम ये देखते हैं कि वन बाय वन मैगी बहुत सारे मैच देखती है, जीतती है और सारे मैच में वो जीतती है। अब लोगों के ज़ुबान पे मैगी का नाम होता है। यहाँ हम देख पाते हैं अब मैगी की अच्छी खासी इनकम होने लगी है बॉक्सिंग के कारण, और फ्रैंकी की भी अब रेपुटेशन, नेम, और उनको भी वापस से बहुत सारी अच्छे ऑफर्स उनको मिलने लगे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक के बाद एक जो मैचेस मैगी जीतते रहती हैं जिसके कारण से उनको और भी बड़े बड़े मैचेस मिलने लगते हैं और जिसके कारण से वो बहुत मेहनत भी करती हैं। और पहली ही उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि पहली बार में ही वो अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि मैगी जितने भी पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे उससे वो अपने पेरेंट्स के पास में, अपनी मॉम के पास में जाती है और उनको बोलती है कि मैंने आपके लिए घर लिया है। लेकिन उनकी मॉम इसके बाद उनसे नाराज़ हो जाती है। वो कहती है इससे तो गवर्नमेंट से जो हमें फ्री के पैसे मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे अगर हमने बता दिया हमारा घर है। मीन्स अब यहाँ हमें एक चीज़ पता चलती है कि मैगी के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं पैसे के लिए और उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। यह सुनकर मैगी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने अब बहुत ही मन से अपने पेरेंट्स के लिए अपने घर खरीदा है और उस घर को अप्रिशिएट करने के बजाय वो उनसे ये कह रहे हैं कि पैसे दे देते। मैगी यहाँ अपनी मॉम को रिप्लाई भी करती है कि अगर मैं पैसे देती तो उसे आप लोग भी किस तरह से यूज़ करते मुझे पता है, इसलिए मैंने आपके लिए घर ही खरीदा। अब हम देख पाते हैं कि मैगी का जो ये मैच है वो उस जगह की सबसे खतरनाक फाइटर के साथ में अरेंज करते हैं और बहुत ही खतरनाक ये मैच होता है। इस मैच को हम देखते हैं कि मैगी पूरे मन से लड़ रही होती है लेकिन सामने जो अपोनेंट उनकी रहती है वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है, लेकिन इस चैम्पियनशिप में उनकी जो अपोनेंट होती है वो उनको बहुत ही बुरी तरह से बीट कर देती है और जिससे मैगी को बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, इतनी कि अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है। और हम देख पाते हैं कि उनकी जो लेफ़्ट लेग है वो अब ख़राब हो चुकी है, मीन्स अब मैगी कभी भी बॉक्सिंग नहीं कर सकती और उनके एक बॉडी का पार्ट भी उनको कट करना पड़ेगा। इस कंडीशन में मैगी अपने कोच फ्रैंकी से रिक्वेस्ट करती है कि मैं इस तरह से नहीं जीना चाहती, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सपना मुझे प्राप्त करना था, जो मुझे अचीव करना था, मैं एक फेमस बॉक्सर बनी और मैंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल करी, प्लीज़ किल मी, मुझे मार दो। फ्रैंकी को ये सुनकर बड़ा ही बुरा लगता है, वो उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा हार नहीं मान सकती, ज़िंदगी ऐसी ही नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मैं एक बॉक्सर हूँ, मैं बिना बॉक्सर के, बिना हैंड के क्या करूँगी जी, कि मैं एक अपाहिज होकर, हैंडीकैप्ड होकर नहीं जीना चाहती। और अब हम ये भी देखते हैं कि उनके हॉस्पिटल, जब मैगी हॉस्पिटल पे होती है उनकी मॉम भी आती है, वो कहती है जो घर तुम्हारे नाम से उसे तुम हमारे नाम से कर दो। मीन्स हॉस्पिटल पे वो मैगी को देखने नहीं आते होते हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे होते हैं कि उनको उनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। मैगी ये सब सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है और वो सिग्नेचर करने से मना कर देती। अब हम हॉस्पिटल पे देख पाते हैं कि मैगी ने अपनी जीप काट ली होती है खुद से ही, क्योंकि वो अब जीना नहीं चाहती। फ्रैंकी को उन्होंने ऑलरेडी बोला था मारने के लिए। ये सब देख के फ्रैंकी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो चर्च जाते हैं, फादर को बताते हैं कि ऐसी कंडीशन हो गई है, मैगी हैंडीकैप्ड होकर नहीं जीना चाहती, तो क्या मुझे मैगी को मार देना चाहिए। चर्च के फादर उनको कहते हैं नहीं, इट इज़ साइन, ये पाप होगा, आप किसी को भी मौत नहीं दे सकते, मौत केवल और केवल ईश्वर के हाथ में ही होता है। फिर यहाँ हम फ्रैंकी को देखते हैं जो एडी से बात कर रहे होते हैं। एडी उनको बोलते हैं कि मैगी को अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अचीव करनी थी उन्होंने सारी चीज़ें अचीव की है और अब
तुम उसे मार भी दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हैंडीकैप्ड होकर रहने से सही सचमुच में अच्छा है कि तुम उसे मुक्ति दे दो, तुम उसे मारोगे नहीं मुक्ति दे दोगे। और हम लास्ट मोमेंट पे देखते हैं कि फ्रैंकी मैगी की ऑक्सीजन पाइप उनकी कहने से ही, उनके उससे पहले वो उनके कान में कुछ विस्परिंग कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो कहते हैं तुम्हें पता है मितोशो का मतलब क्या होता है, मितोशो वही वर्ड होता है जो फ्रैंकी बार बार मैगी को कहते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब होता है मेरी बेटी, मीन्स वो मैगी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करते थे। और ये सुनकर मैगी की आँखों में आंसू हो जाता है, आ जाती है। इसके बाद फ्रैंकी उनकी ऑक्सीजन पाइप हटा देते हैं और मैगी डाइड हो जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिन, चाहे आपकी स्थिति कुछ भी हो, आप सचमुच में अगर मैटर नहीं करती है कि ज़िंदगी आपकी बहुत बड़ी हो, हमने 100 साल भी जिए लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने 30 ईयर्स तक जिए, 20 ईयर्स तक जिए, 40 ईयर्स तक रहे, 50 ईयर्स तक रहे, या जो क्वालिटी की लाइफ हम स्पेंड करते हैं वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मूवी हमें ये मैसेज देती है मिलियन डॉलर बेबी कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और ज़िंदगी में अपने सपनों को अगर आपने अचीव कर लिया तो आपकी ख्वाहिशें बाकी भी नहीं रह पाती है। एक बहुत ही अच्छा मैसेज ये मूवी भी बताती है कि पल पल तकलीफ़ में रहने से अच्छा है कि हम एक नई ज़िंदगी हासिल करके एक अपने नए मुकाम को हासिल करें। जिस तरह के सेटिस्फैक्शन के साथ में मैगी के फेस में था लास्ट वर्ड पे, लास्ट लाइन पे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था। और ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आप इसे पूरी भी देख सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल इन हिंदी ऑल्सो, हिंदी में भी ये अवेलेबल है। सो यू मस्ट वॉच दिस मूवी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज इस चैनल पर हम कंटिन्यूसली मोटिवेशनल मूवी ही एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।